फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज मैं बात करने वाली हूँ हेयर मास्क के बारे में। हेयर मास्क क्या होता है? हेयर मास्क आपके बालों में एक तरह से टॉनिक के रूप में काम करने वाला है। जिस तरह से पौधे को ग्रो करने के लिए आप उसमें खाद डालते हो, पानी डालते हो, उसी तरह अगर आपको अपने बाल हेल्दी रखने हैं तो आपको हेयर मास्क लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रहता है कि मेरे बाल टाइम से पहले वाइट ना हो जाएं, अगर आपके बाल ज़्यादा हेयर फॉल आपके होते हैं, आपके बाल दो मुई हो गए हैं, आपके बाल टूटना झड़ना शुरू हो गए हैं, तो आपको जो मैं ये हेयर मास्क बता रही हूँ वो आप बना लीजिए और उसको आप वीक में 2 टाइम आप उसको अच्छे से अप्लाई कीजिए। अप्लाई आपको रूट्स और लेंथ दोनों में करना है। आप उसको 1-1.5 घंटे नहाने से 1-1.5 घंटे पहले आप उसको लगा लीजिए और सूखने के लिए छोड़ दीजिए। जब आपका सिर बिल्कुल सूख जाए, आपका मास्क बिल्कुल ड्राई हो जाए, उसको अच्छे से सादे पानी से उसको मास्क को अपने बालों से निकाल लीजिए। उसके बाद उसमें अच्छे से शैम्पू कर लीजिए। आप देखोगे कि आपके बालों में बहुत ज़्यादा बहुत ही अच्छी शाइन आ जाएगी, आपके बालों की रूट्स मजबूत होना शुरू हो जाएंगी और अगर आपके बाल जितने वाइट थोड़े बहुत हैं, हल्के फुल्के वाइट, वो वही स्टॉप हो जाएंगे, आगे आपके बाल वाइट नहीं होंगे और आपके बालों में बहुत ही अच्छी जान आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये किस तरह तैयार करना है और कैसे आपको अपने बालों में ये अप्लाई करना है, तो चलिए जानते हैं ये हेयर मास्क कैसे तैयार करना है और किस तरह अप्लाई करना है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर पहले से आप मेरे चैनल पर से जुड़े हुए हैं, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, तो प्लीज़ बेल आइकन बटन को भी साथ में दबा दीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपने बेल आइकन बटन भी दबा रखा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, उसके लिए थैंक यू। तो फ्रेंड, चलिए जानते हैं ये है मास्क किस तरह बनाना है और किस तरह तैयार करके अपने बालों में अप्लाई करना। लेट्स स्टार्ट। बनाने के लिए हमें चाहिए यहाँ मेथी दाना, जो मैंने मिक्सी जार में डाल के इसको पीस लिया है, बारीक पाउडर इसका बना लिया। ज़्यादा बारीक तो इसका नहीं बनता है, थोड़ा दरदरा पाउडर ही इसका रह जाता है। फिर मैंने इसको मिक्सी जार में पीसने के बाद इसको छलनी से छान के इसका पाउडर हमने अलग कर लिया है मेथी दाने का। और यहाँ मैंने जो लिया है, यहाँ मैंने लिया है गुड़हल पाउडर। आप पंसारी की दुकान पे जाइए, वहाँ उन्हें बोलिए कि आप गुड़हल के फूल जो है उनके पाउडर दीजिए, गुड़हल के फूलों का पाउडर। ये बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, मेथी दाना भी, गुड़हल के फूल का पाउडर भी। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी सस्ता आता है, महंगा नहीं आता है ये। तो गुड़हल के फूल का पाउडर आप ले आइए। उसके बाद आप लेके आइए यहाँ आंवला और सिकाकाई। ये 4 चीज़ों से आपको अपना हेयर मास्क रेडी करना है। तो हेयर मास्क आपको कैसे रेडी करना है, सबसे पहले मैं यहाँ आंवला और सिकाकाई को भी अपनी प्लेट के अंदर निकाल लेती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैंने सिकाकाई और आंवला को मैंने यहाँ निकाल लिया प्लेट के अंदर। अगर आपके बाल ज़्यादा लंबे हैं तो आप इसमें से 2-2 चम्मच ले लीजिए। अगर आपके बाल छोटे हैं, कोई जेंट्स इनको लगा रहा है हेयर मास्क को, तो आपको 1-1 चम्मच आपको बहुत है। आप अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग उनको पाउडर को ले सकते हो, ये पैक आप बना सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ लूँगी 1 चम्मच, यहाँ ले रही हूँ मैं मेथी दाना। आप भर के एक, मतलब इनकी बराबर क्वांटिटी आपको इनको रखनी है चारों चीज़ों की। और 1 ही चम्मच मैं यहाँ ले रही हूँ गुड़हल पाउडर। 1 चम्मच मैं यहाँ लूँगी सिकाकाई पाउडर। ये देखिए, ये 1 चम्मच हो गया है मेरा। 1 चम्मच मैंने यहाँ ले लिया और 1 ही चम्मच मैं यहाँ ले रही हूँ आंवला पाउडर। ये देखिए, मैंने सबको यहाँ बराबर क्वांटिटी में यहाँ पर मिला लिया है। अब मैं इसके अंदर एक पानी इतना ही डालूंगी जितना कि आपको, जैसे हिना आप भिगोते हो, हिना भिगोते हो आप, मेहंदी भिगोते हो बालों में लगाने वाली, उसी के हिसाब से आपको इसका पेस्ट बनाना है। ना ज़्यादा थिक बनाना है, ना ज़्यादा थिन बनाना है। तो आपको जो है ऐसा सॉफ्ट पेस्ट बना लेना है जो इजीली आपके बालों में अप्लाई हो जाए। और इसको आप ब्रश की सहायता से भी लगा सकते हो, आप इसको डायरेक्ट उंगलियों की सहायता से भी लगा सकते हो। इससे ये नहीं होगा कि आपके हाथ ब्लैक होने या ख़राब होने की कोई भी ऐसी दिक्कत होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं अच्छे से इसको, यहाँ पर मैं अपना पैक तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मेरा पैक हो गया है रेडी। आप अपना जिससे इजीली ये लग जाए, इतना सॉफ्ट आपको रखना है, इतना भी आपको पतला नहीं करना है ये कि आपके बालों से बिल्कुल बह के चला जाए, और इतना भी टाइट नहीं रखना कि एक ही जगह पर ये लग जाए। जैसे आप हिना भिगोते हो, मेहंदी भिगोते हो बालों में लगाने के लिए, इसी तरह से आप इसको भिगो दीजिए, तैयार कर लीजिए। और इस मास्क को आप अपने बालों की रूट्स पे या फिर लेंथ पे, दोनों पे लगाइए, अच्छे से लगाइए। और सूखने के बाद इसको वॉश कर लीजिए नॉर्मल पानी से, फिर उसके बाद शैम्पू कर लीजिए। आप देखोगे कि आपके बाल धीरे धीरे झड़ना बंद हो गए हैं, उनकी ग्रोथ हो अच्छी हो गई है, हेल्दी हो गए आपके बाल। आपके बाल दो मुई होना जो हो गए थे शुरू, वो भी बंद हो जाएंगे, वही स्टॉप हो जाएंगे। और आगे आपके बाल जो वाइट हो चुके हैं, उनसे आगे आपके और ज़्यादा वाइट बाल नहीं होंगे, धीरे धीरे वो भी बाल अच्छे से कवर होना शुरू हो जाएंगी।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको अपने बालों में शाइन लानी है, हेल्दी रखनी है, तो ये मास्क जो है बना के आप वीक में, अगर टाइम है आपके पास तो 2 टाइम आप इसको अप्लाई कीजिए। अगर नहीं है, ज़्यादा बिजी लाइफ है आप, तो इसको वीक में 1 टाइम आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिए। तो बहुत ही अच्छा ये पैक है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।